हॉल में जा पर मूवीज का ब्लास्ट इंडस्ट्री में जो एक्टर हमेशा करते हैं वो है वन एंड ओनली अक्षय कुमार, जो अपने फैंस को सांस लेने का मौका तक नहीं देते। जैसे ही अक्षय नई मूवीज रिलीज करते हैं तुरंत ही कुछ दिनों बाद अपनी अगली नई फिल्म के साथ वो पेश हो जाते हैं। और 2019 के बाद यही कारवा वो 2020 में भी दोहराने वाले थे। ये बात बीते साल के एंड तक आ गया थे, लगभग सभी जान भी चुके थे क्योंकि उनकी कतार से खड़ी मूवीज इस बात की गवाही जो दे रही थी। लेकिन कोरोना के कारण ये साल ऐसे ही बीतता दिख रहा है। ऐसे में अक्षय के फैंस अपने सुपरस्टार का सरप्राइज अब मिस करने लगे हैं। तभी कई फैंस उनके स्केच बनाकर अपने सुपरस्टार को कर रहे हैं याद। कैसे, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक झलक। जैसे कि देखिए पहला ये स्केच, एक फैन का बनाया ये माइंड ब्लोइंग स्केच। अब आप क्या, जब अक्षय भी इसे देखेंगे तो यकीनन चौंक जाएंगे। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस फैन ने बनाया। वेल, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दूसरे फैन का बनाया ये दूसरा मास्टरपीस। यकीनन अक्षय का ये स्केच उनके किसी इंटरव्यू को देखकर बनाया गया है, लेकिन कलाकारी और कलाकार दोनों को इतनी बेहतरीन काम के लिए सलाम करने को जी चाहता है। खैर, वक्त है आपके दिमाग में आए उस सवाल के जवाब देने का। तो बता दें, ये दोनों स्केच अक्षय के इंस्टाग्राम फैन क्लब से लिए गए हैं और इन्हें बनाने वाले का नाम है बालम दानू। महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले ये आर्टिस्ट और इनकी अक्षय के लिए दीवानगी इनके आर्ट के जरिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस फैन क्लब में राहुल जैन नाम के स्केच आर्टिस्ट का ये स्केच तो जरा देखिए, जो उन्होंने अक्षय के लास्ट ईयर रिलीज केसरी पर बनाया। बेशक इसे देखकर आपको एक पल के लिए अक्षय के उसी अवतार की याद जरूर आ जाएगी। भले ही ये सभी तस्वीरें किसी स्केच आर्टिस्ट के जरिए बनाई गई हो, लेकिन सिर्फ अक्षय के ही स्केच बनाना ये साफ जाहिर करता है कि ये फैंस अभी कहीं ना कहीं अक्षय के धमाके को याद जरूर कर रहे हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा इस साल भी जल्द हो। तो इन खूबसूरत स्केचेस पर आप क्या राय रखते हैं, दीजिएगा अपना जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।